आज सेक्टर 13 में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ये आयोजन इस्कॉन टेंपल द्वारा हुआ। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। यात्रा के दौरान लोग भजन कीर्तन नृत्य और खुशियां मनाते हुए दिखे। ये यात्रा सेक्टर 13 इस्कॉन टेंपल से शुरू होकर MRV स्कूल, द्वारका इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 4, सेक्टर 12 मार्केट, आशीर्वाद चौक, KM चौक से होकर इस्कॉन टेंपल पे ख़त्म हुई। Nithyanandini, one of its kind authentic Kerala Ayurvedic Panchkarma Center in Dwarka. Ayurvedic doctor is also available for consultation. Experience the healing. Dwarka Residents Federation ki team ne DDA ke horticulture office mein visit ki. Wahan un logo ne Deputy Director Jamit Ahmed aur anya adhikariyon se mulaqat ki. फेडरेशन के पवन कुमार सिंह ने बताया कि ये मुलाकात सेक्टर 19 ए में स्थित पार्क में एक योग शेल्टर के निर्माण के लिए की गई थी। सीनियर हब द्वारका ने आयुर्वेदिक और इसके लाभ पर एक बातचीत का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में लोगों को संजीवनी आयुर्वेदा के द्वारा विभिन्न रोगों में आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताया गया। स्पीकर डॉक्टर CP वर्मा, डॉक्टर सुजेता मुतरेजा, डॉक्टर विजय शर्मा ने लोगों से स्वास्थ्य संबंधित बातें की और आयुर्वेद के महत्व को समझाया। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। ग्रामीण और परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए DDA हॉर्टिकल्चर विभाग ने द्वारका के कुछ पार्कों में कबड्डी और रस्साकस्सी का कोर्ट बनवाया है। ये कोर्ट सेक्टर 23, सेक्टर 8, सेक्टर 19 और सेक्टर 17 में है। लोगों ने यहाँ इस सुविधा का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। द्वारका के फुटपाथ पर पड़े मलबे को DDA ने अभी तक नहीं साफ किया है। आज की बारिश ने स्थिति और खराब कर दी है और वह मलबा अब कीचड़ बनकर रोड और फुटपाथ पर फैल रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। DDA को इसे जल्द से जल्द साफ कराना चाहिए। अगर ये वीडियो आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज लाइक करें और वेबसाइट पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।